राम राम दोस्तों, सुबह सुबह देखिए इतना खूबसूरत सा मौसम है। आज बहुत ही प्यारा मौसम है और इधर से देखिए मेरा नया फूल खिला है। बहुत ही मतलब मस्त लग रहा है क्योंकि इतना दिन बाद आज इतना सुंदर खूबसूरत सा धूप निकला है ना, क्या ही बताओ। तो दोस्तों देखिए, रात को बिल्ली ने दूध सारा गिरा दी थी, जो दूध हम लोगों ने रोज़ गर्म करके रखती थी वही दूध है ना, जो साफ गिरा दिया। देखिए गैस का अंदर तक मतलब बर्नर का अंदर भी घुस गया है। 2 लीटर दूध था मैंने कल, आप लोगों ने देखा होगा उस अगले वाले ब्लॉग में, मैं 2 लीटर दूध गर्म करके रखी थी और रात में दूध हम लोगों ने किसी ने भी नहीं पी थी और सारा दूध गिरा दिया। और इधर से मैं किचन का सफाई करके आ गई हूँ। बर्तन वगैरह तो रात को ही धो ली थी, सिर्फ दूध को अच्छे से नहीं रखा था शायद आज, इसीलिए बिल्ली ने गिरा दी। तो इतना सुंदर इतना प्यारा मौसम है, इसीलिए इधर से देखिए मेरे पतिदेव होली खेलने के बाद मतलब ये सब गंदा करके रखे थे। 2 दिन से बारिश था इसीलिए नहीं धोई थी मैं, और आज को धोने के लिए मतलब धूप देखा ना, इसीलिए धो रही हूँ। इतना मोटा है ना ये जैकेट, इसीलिए अकेला धो भी नहीं सकती, सॉरी धो सकती हूँ मतलब नहीं सूखता, इसीलिए मतलब धूप का इंतज़ार कर रही थी। फिर ये जैकेट को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ मतलब मटर चला के, और बाद में फिर से फिल्टर के पानी से भी धोती हूँ। और इधर से ये सफ़ेद जो एक शर्ट था ना, इसमें इतना ज़्यादा कलर लगा था, मुझे लगा था मैं निकाल नहीं पाऊँगी, नहीं लेकिन निकल गया। तो फाइनली ये सब अच्छी तरह से मैंने धो ली है कपड़ा, और फाइनली अब मतलब इसे फिल्टर के पानी में धोना है क्योंकि हमारे यहाँ के पानी में आयरन है ना, इसीलिए। तो ये सब मैं पहले अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद फिल्टर के पानी में धो के 2-3 बार भिगो के धो के बाद में सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो आज मौसम इतना ही अच्छा है ना कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे नए ब्लॉग में, आज नए दिन में। तो आप सब कैसे हो, आशा करते हूँ आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को देखिएगा। तो दोस्तों इधर से मेरा कपड़ा धोना हो रहा है, ऐसा मौसम में जो है ना कपड़ा धोने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि सूख जाता है जल्दी, कोई झंझट नहीं होता क्योंकि, और सवेरे सवेरे धोने से ना पूरा दिन इतना धूप रहता है हमारे यहाँ पे, जितना मोटा कपड़ा होने से भी सूख जाता है। तो इधर से देखिए जैकेट को मैं और मेरी जेठानी दोनों मिल के अच्छे से निचोड़ के सुखा देती हूँ। और इधर से फूल वगैरह तुल के लेके आई हूँ मैं पूजा करने के लिए, नहा धो के आ चुकी हूँ। और इधर से लग गई हूँ मैं तुलसी मैया की यहाँ लिपने के लिए, 2 दिन से बारिश हुई थी बहुत, तो मेरा जितना लिपाई थी सब निकल गई थी मतलब बारिश से, मतलब लिपाई सब चली गई थी, तो इसीलिए मैं अच्छी तरह से लिप लेती हूँ। तो दोस्तों ऐसा मौसम में है ना कुछ भी काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन कुछ भी मतलब काम अच्छे से करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। देखिए आज मैं जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जितना हो सके। इधर से मैं लिप रही हूँ और इधर से मेरा भांजा, दो भांजा और फिर भतीजा सब आके इधर से उधर देख रहे हैं क्या क्या कर रही हूँ मैं और क्या नहीं। और छोटा वाला आके तो मोबाइल को ही लेके चला जाता है, कभी कभी मोबाइल को फेंक देता है, मैं भी देखूँगा कहता है, उसे तो पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ इसीलिए। तो दोस्तों इतना सारा काम अभी भी है, इधर से बहुत सारा समय चला जा रहा है, तो क्या ही बताओ आप लोगों को। और बाहर भी बहुत शोर हो रही है, मैं इधर से वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो मेरा बहुत दिनों का पुराना है, मतलब
3-4 दिन तो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की है, एडिट नहीं की है। ये चीज़ 3-4 दिन पहले की है, होली की 2 दिन के बाद की है। और आज 4 दिन हो गया है मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ काम वगैरह था बहुत सारा और मैं घर में भी नहीं थी, और इसीलिए वीडियोस वगैरह मैं अपलोड नहीं कर पाई, एडिटिंग नहीं कर पाई। तो फाइनली दोस्तों मैंने पूजा वगैरह कर ली है और मुझे दुकान भी जाना है। पतिदेव ने फ़ोन की थी मुझे, तो इसीलिए झटपट में आ गई हूँ खाना पकाने के लिए। उधर से कुकर में चावल चढ़ा दी है और इधर से मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मतलब धूप निकला था और इसीलिए मैंने बहुत सारा काम भी कर ली है, और इधर काम शाम करते करते खाना वगैरह बनाने में देर हो चुकी है। और सुबह पतिदेव बनाए थे ओट्स, वही खा के पतिदेव भी गए, मैं भी खा के काम पे लग गई थी। और इधर से मतलब खाना वगैरह बनाना ही था, अभी खाना बना रही हूँ। इतनी मतलब इतना जल्दबाजी में बना रही हूँ कि क्या ही बताओ, और मैंने आप लोगों से ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं कर पाई, इतना झटपट मैंने ये सब किया। फिर खाना वगैरह बना के सब्जी में झोल डाल दी थी और मैं रेडी होने चली गई। उसके बाद रेडी वगैरह होके मैं खाना वगैरह लेके हम लोग चले जाते हैं दुकान पे। तो इधर से मैं रेडी होने लग चुकी हूँ, उधर से सब्जी हुई नहीं है अभी तक मेरी, सब्जी मैंने चढ़ा दी थी। और फिर रेडी होने के बाद खाना वगैरह बांध के मैं निकल जाती हूँ दुकान जाने के लिए, और इधर से पतिदेव भी आते हैं मुझे लेने के लिए। तो मुझे दुकान में बैठा के पतिदेव जाने वाले थे कहीं मतलब दुकान की मतलब सामान लाने, तो पतिदेव आ चुके थे। फिर मैं हम लोगों ने थोड़ी मार्केटिंग की, मार्केटिंग करके ये आज फिर से दूध लेके आए हैं, क्योंकि कल का दूध पूरा फेंक दिया था बिल्ली ने। और इधर से ये सब सब्जियाँ वगैरह लेके आई हूँ, ये सब्जियाँ ना बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो ये सब लाने के बाद मैं लग जाती हूँ घर के काम में, क्योंकि ढेर सारा काम होता है और सब कुछ मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, मतलब सब कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इधर से धनिया वगैरह क्या क्या लेके आई हूँ, और इधर से देखिए मैं सुबह जो कपड़ा वगैरह धो के गई थी सब कुछ मुझे ठीक करना है। इधर घर पूरा बिखरा हुआ है, घर को भी समेटना है, तो फाइनली घर समेट ली हूँ। मतलब कल का वीडियो एडिटिंग करके सेव करने के लिए छोड़ के बाकी ये सब काम मैं कर लेती हूँ। करने के बाद वीडियो सेव होते होते मेरा घर का ये सारा काम हो जाता है। होने के बाद मैं अभी वीडियो अपलोड करके अभी लग गई हूँ घर का झाड़ू लगाना। तो फाइनली घर का झाड़ू लगा के, आंगन का झाड़ू लगा के, बाहर का जो सारा काम होता है वो सब करके अभी फाइनली शाम हो चुकी है। तो इधर से देखिए ये जो है ना, जो आज मैंने सब्जी लाई थी वही सब्जी का गुटी है, इसे मैं बोने के लिए लाई हूँ। इधर से भिंडी, खीरा और ढेर सारा सब्जी का मतलब बीज लेके आई हूँ, ये सब मैं बुनने वाली हूँ। तो देखिए ये सब बुनूंगी तो मुझे घर का सब्जी अच्छा लगता है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह नहीं देके मैं रोपती हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए दिन में। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बीज भी मैं रोपने वाली हूँ, देखिए आप लोग, अगर ये रोपने के बाद होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप सभी को अभी बाय बाय, राम राम आप सभी को।